हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफॉल्ट डेबगर पोर्ट इन एंडपॉइंट स्टूडियो, एंड सेकंड इज हाउ टू चेंज डेबगर पोर्ट इन एंडपॉइंट स्टूडियो, एंड थर्ड इज व्हाई डू वी नीड टू चेंज इट। यानी कि सबसे पहला हमारा रहेगा कि हमारा जो डेबगर है उसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है। ओके, तो जो हमारा डेबगर है जिसका हम यूज करके अपने एप्लीकेशन को डेबग करते हैं, म्यूल एप्लीकेशन को डेबग करते हैं, तो उस डेबगर का भी एक पोर्ट नंबर होता है। ओके, तो वो किस पोर्ट नंबर पर चलता है बाय डिफॉल्ट, वो हम देखेंगे। एंड सेकंड है कि हम कैसे इस पोर्ट को, डिबगर के पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज कि हमें डिबगर के पोर्ट नंबर को चेंज करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे क्या सिनेरियोज हैं जहां पर हमें पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ता है, तो हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए हम अपने एनीपॉइंट स्टूडियो पर चलते हैं। आप एनीपॉइंट स्टूडियो पर जाएंगे तो उसके बाद आपको रन ऑप्शन पर जाना है, एंड देन डिबग कॉन्फ़िगरेशन पर जाना है, एंड उसके बाद आपको ये वाला टैब म्यूल डिबग, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सो आपको म्यूल डिबग टैब टैग टैब पर जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे डिबगर पोर्ट, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो डिबगर पोर्ट रहेगा वो आपका 4x6 रहेगा। तो यहाँ पर आप जनरली कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं, आप इस टाइप से 4x7 डाल सकते हैं, या फिर आप 666 7 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, ओके, या फिर यहाँ पर 888 भी डाल सकते हैं आप। ओके, इस तरीके से आप कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं, आप इसको करके देख सकते हैं अपने एंड से चेंजेस, एंड एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किस पोर्ट, किन किन पोर्ट्स पर चलता है, किन पोर्ट पर नहीं चलेगा। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पर 666 की जगह 4x6 की जगह 4x7 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं। ओके, जहाँ तक मुझे याद है मैंने इन पोर्ट पर चलाया हुआ है, तो आप बट हाँ आप 666 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, बट एंड 9 भी कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मे बी हो सकता है कि आपके जो सिस्टम में अगर कोई एंटीवायरस चल रहा है तो आप वो चीज़ चेक कर लें कि वहाँ पर कोई पोर्ट नंबर ऐसा तो नहीं है, जो यहाँ पर पोर्ट नंबर डाल रहे हैं वो वहाँ पर क्या है अलाउ ना कर रहा हो, तो इन चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी देख लिया कि हमारा डिफॉल्ट डिबगर पोर्ट नंबर क्या होता है, एंड हम इसे कैसे चेंज करेंगे, एंड सिनेरियो है कि व्हाई डू वी नीड टू चेंज इट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि सबसे जो पहला सिनेरियो जो मैंने प्रैक्टिकली देख फेस किया वो ये था कि मुझे कोई एप्लीकेशन थी जैसे मुझे अपने सिस्टम पर लोकली टेस्ट करना था। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, 2 एनीपॉइंट स्टूडियो चलाए थे अपने सिस्टम में, और मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे दोनों एनीपॉइंट स्टूडियो को डिबगर मोड में चलाना था। तो दोनों एनीपॉइंट स्टूडियो डिबगर मोड में सेम पोर्ट नंबर पर नहीं चल सकते थे, तो उस केस में मैंने पोर्ट नंबर चेंज करके चलाया था। तो एक हमारा डिबगर, मेरा जो डिबगर था वो इसी 4x6 पोर्ट नंबर पर चल रहा था, एक डिबगर मैंने कोई सी दूसरे पोर्ट नंबर पर चलाया था। तो ऐसा कोई सिनेरियो आता है, आपको कोई एप्लीकेशन है लोकली टेस्ट करनी है, हो सकता है एक एप्लीकेशन आपकी किसी और वर्जन में चल रही है, डेफिनेटली आप एक सिस्टम पर तो दो एप्लीकेशन नहीं चला सकते, राइट? तो आपको दो एनीपॉइंट स्टूडियो चाहिए होंगे, एंड आपको दोनों डिबगर मोड में चलाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको एक डिबगर, एक मशीन का डिबगर पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो सिनेरियो हो गया, हो सकता है कोई दूसरा सिनेरियो ऐसा हो कि कोई फायरवॉल, कोई एंटीवायरस आपके सिस्टम में वो ये पोर्ट नंबर अलाउ ना कर रहा हो, तो उस केस में भी आपको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम डिबगर का पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, एंड डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, एंड हमें इसे चेंज करने की जरूरत नीड क्यों पड़ती है। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा वीडियो। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।